नमस्कार खवातीन आज रात वेलकम है आपका क्रिक कॉमेडी के एपिसोड नंबर 2 में। हालांकि इंडिया न्यूजीलैंड का सीरीज उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया। इस एपिसोड में बात करेंगे हम इंडिया न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान और इंग्लैंड में हुए जाने वाले मैचेस की। एक कहावत है, पैसा ना से इंसान का चूतियापा खत्म नहीं होता। पाकिस्तान ने सियालकोट में 3 लाख फुटबॉल बनाए और उन फुटबॉल को सप्लाई किया गया कतार में खेलने के लिए ये फीफा में, और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये पोस्टर लगाया है कतार में, थैंक वर्ल्ड फॉर प्लेइंग विथ माई बॉल्स। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का जो प्रेस रिलीज था जो अमेरिका के लिए लिखा था उन्होंने, वो उनके बाबू ने या बाबे ने रिलीज कर दिया वहां पे। ऐसा नहीं कि उनके बाबे ही कोई इंग्लिश नहीं आती। देखें, you think of the skills that he has. I have just 30% English. My English is finished now. Okay. और भैया नासिर हुसैन साहब, आपको कौन बोला था बाबर आजम का इंटरव्यू लेने? आपको क्या लगता है बाबर आजम सब जानता है? हम लोग जब छोटे थे, 10th में था, तो मैंने लिया था संस्कृत। संस्कृत में ऐसे रट के गया था रामायण, आ गया महाभारत, तो अभी क्या करूं, रामायण ही छाप दिया। सेम यही काम करते हैं हमारे बाबर आजम। You seem a very natural player. Were you coached a lot in your young life? Was it your dad coaching you, or did you have specific coaches? In that area, my dad role is very important. He support me a lot. When I'm going for match everywhere in Lahore, in Lahore we have a different lot of ground, so he take me over there and he see me. और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला पहला टेस्ट मैच जो रावलपिंडी में खेले जाने वाला था वो खतरे में है, जैसे प्रेम चोपड़ा के खतरे में हीरोइन रहती थी। और वो खतरे में क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड टीम का हो गया फिर से पेट खराब। लास्ट बार भी इंग्लैंड टीम आई, एक बार भी इंग्लैंड टीम का हो गया था पेट खराब। इस बार वो कुक लेके आए थे, फिर भी पेट खराब हो गया और पाकिस्तानी उन्हें ट्रोल करने लगा। तो भाई बेन स्टोक को स्टेटमेंट देना पड़ा, ये भैया पाकिस्तानियों एक बात बता दो, कुक तो वो ले आएंगे लेकिन पानी और मीट आप ही क्या खाएंगे? और आप तो गधे के सप्लायर हो, गधे के मीट के वर्ल्ड के पापा। आपको जिन लोगों को नहीं पता तो ये देख ले, ठीक है। इंडिया टीम ने 2 ODI में से 1 ODI हार गया और आज का मैच भी हारने वाले थे, वो तो भगवान का शुक्र था कि बारिश हो गई और मैच का रिजल्ट नहीं आया। सब लोग बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, मैं बात करूंगा ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत, ये कौन सा पौवा लगाए हुए हो, कौन सा बाबा जी का चूरन खाए हुए हो आप कि आपको सन 2019 से सन 2022 तक चांस ही मिलते जा रहा है। बात करेंगे वर्ल्ड कप की 2019 पे। इंजर्ड हुए थे शिखर धवन, भेज दिया गया ऋषभ पंत को, जबकि ऋषभ पंत उस टाइम ओपनर भी नहीं थे। भैया कौन सा पौवा था वो? उसके बाद से ऋषभ पंत को 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, हर एक नंबर पे खिलाया गया, हर एक नंबर पे वो आगे हैं, फिर भी ऋषभ पंत को खिलाया जा रहा है। उन्हें वाइस कैप्टन नहीं बना दिया, किस बिना पे उन्हें? और ऋषभ पंत भाई, आप जो ये हर्षा भोगले जी को बोले हो ना, टोटली डिसग्रेसफुल। वीरू से बहुत साल पहले सवाल पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको देख के लगता है यार ये तो वाइट बॉल गेम इनकी खास बात होगी, आपका टेस्ट रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। सर रिकॉर्ड तो एक नंबर है मेरे हिसाब से, मेरा वाइट बॉल का भी रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है, ठीक है। T20 का आप नहीं कह रहा हूं, मैं कंपैरिजन कह रहा हूं। कंपैरिजन करना तो सर अपना लाइफ का पार्टी नहीं है ना, अभी मैं 24-25 इयर्स का हूं। कंपैरिजन करना है तो अब जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा तब करना, उससे पहले। लड़कियों का एक एटीट्यूड होता है, वो कभी कोई लड़कियों को देखोगे कभी कोई अनसक्सेसफुल या कम पैसे वाले इंसान के पीछे नहीं भागेगी। अभी लड़की हो ही मिस यूनिवर्स और वो भाग रही एक बंदे के पास जिसके पास ना फिजिक है ना वो अच्छा खेल पा रहा है, तब तो आरपी के लिए कोई मैसेज है आपको? लेकिन मैं आप थोड़ा सा घुमा रहे हो, मैं आपको डायरेक्टली सीधी बात पूछ रहा हूँ। सीधी बात, नो बकवास। यस, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग एनी बकवास। तो वही कोई मैसेज है एक्चुअली, यू नो, आप मतलब कभी जैसे आपने कहा ना फॉरगेट एंड फॉरगिव, कभी कभार हो जाता हमने कुछ कह दिया है या कुछ है, तो कोई बात या आप यू नो हमारे थ्रू से पहुंचाना चाहोगे ऋषभ पंत? ऑल आई वांट टू से इज दैट व्हाट डू आई से, नथिंग, सॉरी, आई एम सॉरी जी। हमें भी थोड़ा ध्यान देते, हमारे भी फिजिक नहीं है, पौवा नहीं है, लेकिन देख लेंगे आपको। बात करते हैं संजू सैमसन भैया की, तो सुशांत सिंह राजपूत के बाद सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है जस्टिस फॉर संजू सैमसन। यहां तक कि शशि थरूर ने स्टेटमेंट दे दिया है बीवीएस लक्ष्मण को कि भाई संजू सैमसन के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। शशि थरूर साहब,
स्टेटमेंट ना दे, ऋषभ पंत जैसे पौवा लगाए डायरेक्ट, तभी कुछ होगा। और संजू सैमसन, आज फिर से बोलना चाहूँगा मैं, फिर से आपके पास मौका है, आप खेल सकते हैं आइसलैंड क्रिकेट टीम के साथ। मैंने ट्वीट भी किया आइसलैंड क्रिकेट टीम को, और ये इस पोस्ट को इतना शेयर करे, इतना शेयर करे, इतना वायरल करे कि वो पहुंच जाए। बात करेंगे इंडिया टीम के दूसरे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। तो सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर है जो T20 अच्छा खेलते हैं, जो प्रेशरलेस मैचेस अच्छा खेलते हैं, ODI के लिए वो बने नहीं है, इसका स्टैटिया देख ले, और उन्हें लोग ढो रहे, उन्हें लोग भगवान बना रहे हैं। तो जो जो लोग भगवान बना रहे हैं उनको बता दो, सूर्य कुमार यादव इज जस्ट लाइक अनदर प्लेयर कॉल्ड ऋषिकेश कनितकर, जो कि कुछ कुछ समय के हीरो थे, आएंगे और जाएंगे। पूरे टीम की बैटिंग की बात कर ले तो ऐसा लग रहा था पूरी सीरीज में कि हर एक लोग अपना स्थान बनाने के लिए, अपना पोजीशन बनाने के लिए खेल रहे थे 50 ओवर में। तो इंडिया टीम से मेरी गुजारिश है, एक 20 लोगों का फॉर्मेट बना ले, बोले कि यही 20 खेलेंगे वर्ल्ड कप के लिए, यही 20 खेलेंगे वर्ल्ड कप के लिए, ताकि प्लेयर को मेंटली ये रहे कि मैं तो वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, तो वो इंडिया टीम को जिताने के लिए खेले, ना कि अपना पोजीशन बनाने के लिए। इंडियन टीम के बॉलर 2021 पाकिस्तान से 10 विकेट हारने पे फक्र है, 2022 इंग्लैंड से 10 विकेट से हारने पे फक्र है, आज न्यूजीलैंड में वही होने वाला था, एक विकेट गिर गया, बारिश हो गई, नहीं तो आज भी 10 विकेट से हारने पे फिर से आपको फक्र होता। अरे कैसी बॉलिंग कर रहे हो यार, एक विकेट नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग, एक विकेट। एज अ बॉलर सोचो आप एक विकेट नहीं ला, वो जमाना अलग था जब हमारे बैट्समैन लोग भी बॉलर हुआ करते थे, जब वो जमाना अलग था जब हमारे बैट्समैन लोग भी बॉलर हुआ करते थे, जब तेंदुलकर, सहवाग, गांगुली ये लोग विकेट निकालते थे, और ये लोग को लोग बोलते थे बैट्समैन, ये लोग बैट्समैन नहीं थे, ये लोग थे इंडियन ऑलराउंडर। अभी इंडियन टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो बैट्समैन है वो सिर्फ बैटिंग करता है, जो बॉलर है सिर्फ बॉलिंग करता है, बॉलर से एक बॉल नहीं कनेक्ट होता है, और बैट्समैन से, बॉलर से ना विकेट लिया होता है ना एक बॉल कनेक्ट होता है, और बैट्समैन से ना बैटिंग होती है ना बॉलिंग हो पाती है। इंडियन टीम की बहुत बड़ी विडंबना है। 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप के हवाले से साउथ अफ्रीका को इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए 5 में से 4 मैच जीतने होंगे, जिसमें से साउथ अफ्रीका 3 मैच खेलेगी इंग्लैंड के साथ और 2 मैच खेलेगी नीदरलैंड के साथ अपने होम ग्राउंड में। तो क्या आपको लगता है साउथ अफ्रीका टीम क्वालिफाई कर पाएगी? टेम्पा बहुमा बन पाएंगे विराट कोहली, या टेम्पा बहुमा बन जाएंगे राहुल द्रविड़? पता नहीं। अगर आपको क्रिकेट कॉमेडी का एक एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके माचिस की तिली फैमिली से जुड़े और क्रिकेट को अच्छे रूप से, हंसी के रूप से फैलाने में हमारी मदद करें। थैंक यू।